ग्राम दर्री में 700 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में कुल 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जब इस बारे में ग्राम पंचायत नवागांव के सरपंच से बात की गई तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कीट की कमी से होने से जांच में विलंब हो रही है। जांजगीर चांपा जिले से नितेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं सरपंच ग्राम पंचायत नवागांव संतराम प्रधान। मेरे आश्रित ग्राम दर्री में कोरोना पॉजिटिव का केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी 700 के जनसंख्या में 37 आदमी पॉजिटिव है और उतने और जो उससे ज़्यादा आने की संभावना है, लेकिन कीट के समस्या के नाम से जांच नहीं हो पा रहा है। किस कीट का बहुत ज़्यादा समस्या है, दवाई का समस्या है। इसमें प्रशासन से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कीट व्यवस्था करने की जरूरत है। बारकवार सदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत पौड़ी कला से बारकवार पहुंचे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्ग के निर्माण में ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितता करते हुए सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका विभाग के अधिकारियों और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से कोई सरोकार नहीं है। आपको बता दें कि बारकवार से पौड़ी कला तक पूर्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण हुआ था, जिसे शासन द्वारा चौड़ीकरण करते हुए पुनः निर्माण किया जा रहा था। निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा भारी अनियमितता की जा रही है। पुरानी सड़क को उखाड़कर स्क्रैप मटेरियल को बेस बना दिया गया है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और विभाग की उदासीनता के कारण ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए सड़क निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से शोभा मिश्रा के साथ नितेश तिवारी की खास रिपोर्ट। ये जो रोड बन रही है, इस रोड की गुणवत्ता के बारे में कुछ बताएंगे। अभी ये डामर को निकाल रहा है और निकाला भी है तो कहीं कहीं पे देख रहे हैं पूरा डामर निकला नहीं है, और इसी के ऊपर इसने सरफेस बराबर करके आगे से डामर डालना चालू कर दिया। जबकि इसमें अभी 3 बार वो JSB डालना है 3 लेयर में, उसके ऊपर में फिर रोलिंग हो करके फिर डामर डालना था, लेकिन ये कोई काम नहीं हो रहा है उसमें। सड़क निर्माण में देखा जा रहा है कहीं पर बेस नहीं डाला गया है, पुरानी सड़क को खोद करके उसी के ऊपर डामरीकरण किया जा रहा है, उसको सरफेस बराबर करके उसी के ऊपर में डामरीकरण कर दिया जा रहा है। सरफेस भी खाली मुरुम से किया है, इसमें भी कोई गिट्टी उट्टी नहीं डाला है। ये जो सड़क बन रही है बारद्वार से पूरी कलर तक के PMJSY के अंतर्गत, इस सड़क की गुणवत्ता इतनी ख़राब है कि इस सड़क साल भर टिक पाएगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इस्टीमेट के हिसाब से इसमें 10 सेंटीमीटर बेस डालना चाहिए, लेकिन सड़क को देखते से ऐसा नहीं लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर इस पर बेस डला हुआ होगा। रोड को खोद करके, पुरानी रोड को खोद करके उसी मटेरियल को डाल करके बेस बना दिया गया है, उसके ऊपर में डामरीकरण कर रहे हैं। अधिकारियों की ठेकेदार पे किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं है, न शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं दिया जा रहा। ठेकेदार अपनी मनमानी से जो जैसा पा रहा है वैसी बनाया जा रहा है। इसकी हमारी पार्टी के द्वारा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा, ये लॉकडाउन खुलते ही विरोध किया जाएगा और उच्च स्तर पर जाँच कराने के लिए शिकायत किया जाएगा।